हेलो वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। यहां पर देख सकते हैं ये डेटा हमारे पास मौजूद है और इस डेटा पर हमें काम करना है। यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट है, नंबर्स हैं कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और यहां पर दिया हुआ है टोटल, यानी कैलकुलेट किया गया टोटल और एवरेज। तो आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, देखिए आज के इस वीडियो में हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है रैंक। ठीक है, जैसे कि आप एक्सेल में करते हैं बिल्कुल यहाँ पर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कैसे करेंगे आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको टोटल चाहिए, एवरेज के बेस पर आप रैंक नहीं निकाल सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल जरूर कैलकुलेट कीजिएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे आर ए एन के। तो जैसे ही आर ए एन के आप लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में रैंक आपको डिस्प्ले होने लगेगा, रैंक ले लीजिए। और रैंक लेने की ये टोटल जो आया हुआ है, ये पहला टोटल आप कर लीजिए सेलेक्ट, कॉमा दे दीजिए। कॉमा देने के बाद इस पूरे टोटल को सेलेक्ट कर लीजिए, बस काम हो गया है आपका। यहाँ पर F4 दबा के फ्रिज कर दीजिए ताकि ये चेंज ना हो, बस हो गया काम। बंद करिए ब्रैकेट को और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये रैंक दिखाई पड़ेगी। तो इनका रैंक 7वां है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंक 7 आया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, यानी कि मैं जो रैंक कैलकुलेट करूंगा वो यहीं पर बगल में ही आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसके साइज को छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा डेटा एडजस्ट हो जाए और आपको आसानी से दिखे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आर ए एन के रैंक। ठीक है, तो ये लिख दिया रैंक और यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, लिखते हैं आर ए एन के रैंक। ओके, और रैंक लेने के बाद हमें क्या करना है, इसी टोटल को सेलेक्ट करना है कॉमा। अब पूरे टोटल को कर जाइए सेलेक्ट कुछ इस तरीके से, F4 फंक्शन बटन दबा करके फ्रीज कर दीजिए इन सभी को, कॉमा नहीं लगाना है, ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। रैंक आ चुकी है, सबकी रैंक आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए कोई भी रैंक रिपीटेड नहीं है। कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे फ्रिज नहीं करते, इस हिस्से को फ्रिज नहीं करते। लाइक ये देखिए, यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ इज इक्वल टू और यहाँ पे लिखा रैंक। ठीक है, क्या करना है, हमें रैंक लिखने के बाद हमें इसको ले लेना है, कॉमा देना है और फिर इस पूरे टोटल वाली रेंज को ले लेंगे हम कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी आ गया, लेकिन अब ये दिक्कत क्या करता है कि यहाँ पर फ्रिज नहीं करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी। ठीक है, इस तरह से तो दिखाई पड़ रहा है कि ये आ गया है और सबके अलग अलग रैंक भी दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए, इसको देखिए और इसको मैं एक अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ये देखिए ये है और फिर यहाँ पर देखिए ये भी 1 रैंक ही आया हुआ है, तो 2 रैंक बराबर नहीं हो सकते हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि दो दो को एक ही रैंक नहीं दिया जाएगा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत करता है। अगर इस तरह से लगाएंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली केवल फिक्स भर कर देना है। फिक्स कैसे होता है, F2 प्रेस करके पहले एडिट कर लेते हैं फॉर्मूले को और यहाँ पर रखते हैं कर्सर को। ठीक है, ये कर्सर को यहाँ पर रखा हमने और यहाँ पर रखने के बाद क्या करना है, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए इतना हिस्सा और यहाँ पर F4 दबा लीजिए। तो जैसे ही F4 दबाएंगे ये फ्रीज हो जाएगा। अब देखिएगा रैंक, अब देखिए ये रिपीटेड रैंक नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी रैंक जो है रिपीटेड नहीं है। तो इजीली आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप की बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।